नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा, मैं हूं श्रीलता। बुलेटिन की शुरुआत, गाजियाबाद पहुंच चुके स्वतंत्र देव सिंह ने आज गाजियाबाद में कार्यकर्ताओं के बीच में वक्त गुजारा, जहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। लेकिन जब उनका काफिला मोदी नगर से गुजर रहा था, वहां एक हत्या के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उनके काफिले को काफी देर तक रोके रखना पड़ा। दरअसल 3 अगस्त को यहां एक विवाहिता की मौत हुई थी, जिससे परिजन पूरी विधायक की सपोर्ट में देखिए हत्या बता रहे थे। इसी मामले में कार्रवाई ना होने से नाराज परिजनों ने स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोककर कार्रवाई की मांग की। ये सिर्फ वोटिंग वोटों के लिए है, ये देखिए मंत्री जी, ये देखो हमारे नेता जी का इनसे कोई इंसाफ नहीं हुआ। देखो हमारे नेता जी खुशी में जा रहे हैं। और वाराणसी में आज भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दरअसल भाजपा सदस्यता अभियान के दौरान सुरेश खन्ना के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। इसके बाद विधायक और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पहले तो दोनों के बीच कहासुनी हुई, फिर बवाल बढ़ता चला गया। फोटो से क्या होता है? अरे छोड़िए, जाने इतना बड़ा आरोप आप लगा दिए, पूरे चुनाव में आप लोकसभा में इस क्षेत्र में नहीं घूमे, सामने की बात मत करिए, पूरे लोकसभा में आप नहीं घूमे। देखा तुम्हें कितना आसानी से आरोप लगा देते, हम लोग कांग्रेसी हैं। एक दिन जाने दो, हम लोग कांग्रेसी हैं। जाने दीजिए भैया, भैया गलती हो गई भैया, हो गया भैया, भैया हमारा पर्चा अच्छा करा दिया। कानपुर पहुंचे भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी ने सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर तंज कसा। कहा कि अगर वो सत्ता में होती तो खुद को भारत रत्न घोषित कर चुकी होती। विपक्ष में है, इसीलिए कार्यवाहक अध्यक्ष घोषित कर उन्हें संतोष करना पड़ रहा है। सत्यदेव पचौरी ने कहा कि कांग्रेस की बागडोर नेहरू खानदान में ही रहे, नहीं तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसका डर सोनिया गांधी को था, इसीलिए योजना बनाकर कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया गया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर कश्मीर को बर्बाद करने का आरोप भी लगा दिया। मतलब वो ये नहीं चाहते कि कांग्रेस का नेतृत्व बाहर जाए, हम परवारी बाहर कर दे, इनको अपने अस्तित्व का फैसला। और उधर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को बकरीद की मुबारकबाद दी है। सीएम ने एक तरफ प्रेस नोट जारी कर प्रदेशवासियों से शांति और सौहार्द के साथ मिलजुल कर बकरीद का त्यौहार मनाने की अपील की है। कल बकरीद है और इसे लेकर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए हैं। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ विदेश में भी औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रोत्साहन के लिए तैयार हैं। इसके लिए सीएम योगी रशिया पहुंचे हैं, यहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही निवेश को लेकर 3 MOU भी साइन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की इस यात्रा में उनके साथ 3 दर्जन से अधिक निवेशक व्यापारी भी शामिल हैं। ये व्यापारी और निवेशक रूसी सरकार के साथ मिलकर रूस और भारत दोनों जगह निवेश की संभावनाएं तलाशेंगे। योगी आदित्यनाथ के साथ जाने वाला प्रतिनिधि मंडल है, जिसमें अधिकारी भी शामिल हैं। वो यात्रा के दौरान निवेश के लिए आने वाले व्यापारियों को, खासकर विदेश से आने वाले व्यापारियों की समस्या के बारे में जानकर आने वाले समय में उसे दूर करने की भी कोशिश करेंगे। ये प्रतिनिधि मंडल 13 अगस्त को वापस लौटेगा। तीस जुलाई को 3 तलाक बिल पास होने से जो उम्मीद जागी, वो ज़्यादा असरदार नहीं दिख रही है। तलाक के बिद्दत का सिलसिला जो पहले था, वो अभी भी जारी है। जारी है तलाक, तलाक, तलाक। 3 तलाक से छुटकारा नहीं, कानून का भी नहीं खौफ। आखिर ट्रिपल तलाक को तलाक कब? बरसों से 3 तलाक का दंश झेल रही मुस्लिम महिलाओं को कानून बनने के बाद एक उम्मीद जगी थी, लेकिन इन उम्मीदों पर अब पानी सा फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि 3 तलाक देने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यूपी में हर रोज
तलाक बिद्दत के मामले सामने आ रहे हैं। बिजनौर में बिस्तर पर पड़ी ये महिला भी तीन तलाक का दर्द झेल रही है, जिसकी शादी इसी साल अप्रैल में हुई थी, लेकिन दहेज के लालची मुफ्ती ने बेखौफ होकर अर्शी को तलाक दे दिया। कहा सुनी करने पर पीड़िता को जान से मारने की कोशिश की। मुझे तलाक दे चुके हैं, उनके माँ बाप के अपने माँ बाप के सामने उन्होंने तलाक दी है, उनके माँ बाप इस बात की गवाह है, उन्होंने मुझे तीन तलाक दे चुके हैं। पीड़िता की माने तो मुफ्ती के किसी और महिला से नाजायज संबंध भी थे और शादी के बाद से ही दहेज की मांग कर रहा था। हालांकि तीन तलाक पर बने कानून से बेखौफ मुफ्ती पर पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। थाना कैतपुर कस्बे में एक पीड़िता हमारे पास आई थी, जिसने अपने ससुराल पति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे, जिसकी हमने जांच कराई, जिसमें आरोप सही पाए गए। पीड़िता का मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसका मेडिकल कराया गया। तीन तलाक का मुद्दा इसमें था, हम इसमें मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई कर रहे हैं और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। कई दफे से दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक उनका घर छोड़ के भागे हैं, शीघ्र उनकी गिरफ्तारी करके हम कार्रवाई करेंगे। सिर्फ बिजनौर ही नहीं, अमरोहा में भी तलाक बिद्दत की गूंज सुनाई पड़ी। तस्वीरों में दिख रही इस महिला ने अपने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया है। यानी साफ है कि बेशक तीन तलाक के खिलाफ कानून संसद से पास हो गया, लेकिन ये परंपरा अभी भी जारी है। मुस्लिम महिलाओं को अभी भी पूरी तरह तलाक से मुक्ति नहीं मिली है। सरफराज खान, बिजनौर, एबीपी गंगा। यूपी में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही एक बार फिर से जग जाहिर है। बदायूं जिला अस्पताल में एसएनसीयू वार्ड में संक्रमण फैलने से 20 दिन में 13 बच्चों की मौत हो चुकी है। अगर पहली जून से बात करें अब तक की, तो अस्पताल में 50 बच्चों की मौत हो चुकी है। लापरवाही बरतने के आरोप में सीएमओ को निलंबित तक किया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों है ऐसा सिस्टम, जानते हैं इस रिपोर्ट से। नहीं सुधर रहा है यूपी का स्वास्थ्य विभाग। पिछले 20 दिनों में 13 बच्चों की मौत, 1 जून से अब तक 50 बच्चों की मौत। बदायूं जिला अस्पताल में हड़कंप, संक्रमण से बच्चों की मौत। बदायूं के जिला महिला अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कानों पर जून तक नहीं रेंग रही। जिला महिला अस्पताल में बने एसएनसीयू वार्ड में संक्रमण फैलने से 20 दिन में 13 बच्चों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर्स की माने तो मरने वाले बच्चों में सबसे ज्यादा संख्या सीएचसी और पीएससी से आने वाले बच्चों की है। सीएचसी और पीएससी से आने वाले बच्चों में पहले ही इतना संक्रमण होता कि जिला अस्पताल में लाने के बाद भी वो रिकवर नहीं हो पाता, जिससे उनकी मौत हो जाती है। देखिए, अभी तक जहाँ तक शायद 13 या 12 बच्चे एक्सपायर हुए हैं, और तो पिछले 20 दिनों में, और उसमें टोटल हमारे पास 120 एडमिशन्स हैं। पर डे 6 बच्चे, आप मान के चलिए कि 6 बच्चे हमारे यहाँ भर्ती हो रहे हैं, और उसमें से भी पेरिफेरी से बच्चे ज़्यादा हैं हमारे पास। पहले 12 बेडेड आईसीयू था हमारा, अब ये 15 बेडेड हो चुका है, लेकिन हमें और भी बच्चों और भी बेड्स की ज़रूरत है, जिससे और बच्चे हम एक बेड पर एक बच्चा कर पाएँ। सरकार मौसमी बीमारियों और संक्रामक रोगों से बचाव के लिए करोड़ों रुपए का बजट खर्च कर लोगों को जागरूक कर रही है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। लापरवाही बरतने के मामले में सीएमओ राजेंद्र प्रसाद का निलंबन भी हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं दिख रहा। मीडिया में रिपोर्ट्स आने के बाद प्रभारी सीएमओ मंजीत सिंह एसएनसीयू वार्ड पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले बच्चों का हालचाल जाना और लापरवाह कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने लापरवाह कर्मचारियों को हिदायत दी है कि अगर वो नहीं सुधरे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बच्चे जो पेरिफेरी से आ रहे, देख रहा था कि 1 किलो का आ रहा, 1.25 किलो लोग प्रतिदिन वेट वाले आ रहे हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी सर्वाइव बहुत कम होती है, जिनसे बहुत ही इन्फेक्टेड आते हैं पेरिफेरी से, ये कारण था। वहीं महिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक रेखा रानी का कहना है कि इन दिनों संक्रमित बच्चों की संख्या बहुत बढ़ गई, लिहाजा उन्होंने शासन से एसएनसीयू में सुविधाएं बढ़ाने के लिए लिखा है। अभी तक जुलाई के महीने में 21 से 20 जो होता है, उसमें हमारे 19 बच्चों की डेथ हुई है, और 20 तारीख के बाद जो 10 तारीख थी, उसमें हमारे 13 बच्चे हुए। तो कितने बच्चों की मौत हो गई टोटल? तो कुल 50 दिन में करीब 19 और 12 13 32, और हमारे पास बार बार कुछ कम है, अब उन्हें और मंगाने के लिए कहा था, अब
वो आए भी थे लेकिन चूंकि कंपनी में दूसरे मॉडल के सप्लाई कर दिए गए थे तो वो रिटर्न करने पड़े। अब वो करेक्ट मॉडल के जब आएंगे तो फिर हमारे पास वार्मर की भी कमी नहीं रहेगी, एक बच्चा एक भी लिटाएंगे। अभी मजबूरी बस हमें एक पे दो दो या तीन तीन लिटाने पड़ रहे हैं। बदायूं जिले के महिला अस्पताल के SNCU में कुल 15 बेड्स हैं। वहाँ भर्ती होने वाले बीमार बच्चों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि एक एक बेड पर दो दो बच्चों को शिफ्ट किया जा रहा है। भर्ती होने वाले बच्चों की भीड़ को देखते हुए वार्ड में एक्स्ट्रा बेड भी बढ़ाए गए हैं, लेकिन हालात की गंभीरता को देखते हुए वहाँ बहुत कुछ करने की जरूरत है। लेकिन न तो स्वास्थ्य महकमा इसे गंभीरता से ले रहा है और न ही मासूम बच्चों की मौत की चीत्कार लखनऊ तक पहुँच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। अगली खबर संभल से है, जहां 2.5 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है जहां ये बदमाश मारा गया। बदमाश का नाम शकील है और पुलिस ने इसे मार गिराया है। SP के नेतृत्व में पुलिस ने ये एनकाउंटर को अंजाम दिया है। हालांकि एक सिपाही भी इस एनकाउंटर में घायल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। गोंडा से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर आई है। यहाँ स्कूल की छुट्टी का समय पूछना एक महिला को बहुत भारी पड़ गया। महिला के पूछे गए सवाल पर लोगों में अफवाह और शक का एक ऐसा दौर पनपा कि लोगों ने अपना आपा खो दिया, जिसकी शिकार ये महिला हो गई। पहले पेड़ से बांधा, फिर चप्पलों से जमकर पीटा, कोई आगे से, किसी ने पीछे से की पिटाई। इस पिटाई कांड का क्या है सच्चाई? पेड़ से बांधकर महिला की पिटाई की ये तस्वीरें तो गोंडा की है, लेकिन इसकी जड़ पूरे यूपी से जुड़ी है। अफवाहों का दौर ऐसा पनप रहा है कि भीड़ ऑन द स्पॉट फैसला कर रही है। दरअसल इस महिला का गुनाह सिर्फ इतना था कि इसने स्कूल से बच्ची की छुट्टी का टाइम पूछा, लेकिन बच्चा चोरी की चर्चाओं के चलते ये औरत भीड़ के निशाने पर आ गई। इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पुलिस मौके पर पहुंची। आज शाम को ये सूचना आई थी कि रहली गांव जो थाना नवाबगंज में है, इसमें एक महिला को बच्चा चोर बताकर बंधक बना लिया गया और उसके साथ मारपीट की गई है। इस सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक को भेजा गया और उनसे तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें 9 व्यक्ति जो घटना में शामिल थे उनको अरेस्ट किया गया है। महिला को तो पुलिस ने बचा लिया, लेकिन इसकी पिटाई कर रहे 9 लोगों पर केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पिटाई कर रहे इन लोगों को कानून हाथ में लेने की सजा तो मिली, लेकिन इस भीड़ के अलर्ट रहने की वजह से वारदात होते होते बची। ऐसा क्यों, जरा इसे सुनिए। भाई हम ना जाए कहाँ चुराए हैं। कैठू चुरायु? कैठू एक लड़का चुरायु है। कई साल का रहा? अब हम कहाँ जाए, सही बताए तो छुड़वाई दे दे तू। दरअसल पिटाई के वक्त ये महिला खुद अपनी करतूत को कबूल रही है कि ये बच्चा चोरी करती है और बच्चा चुरा भी चुकी है। ऐसे में सवाल ये है, अगर लोगों को शक था तो उन्होंने पीटने की बजाय पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? क्यों लोगों की भीड़ फैसला ऑन द स्पॉट करती है? सवाल ये भी है कि जब बच्चा चोरी की अफवाह जोरों पर है तो क्या पुलिस को संदिग्धों पर नजर नहीं रखनी चाहिए? गोंडा से कृष्ण कुमार, ABP गंगा। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पुलिस पर कुछ महिलाओं ने हमला बोल दिया और वो भी लाठी डंडों के साथ। वो पुलिस कर्मियों पर टूट पड़ी कुछ इस तरह।
तो ये महिलाएं हैं जो हाथों में डंडे लेकर धावा बोल चुकी हैं। दरअसल यहां पुलिस अवैध निर्माण को रुकवाने पहुंची थी, लेकिन विरोध कुछ ऐसा देखने को मिला। तो पुलिस अपना काम करने पहुंची थी, अवैध निर्माण को रुकवाने या उसका जायजा लेने पूछताछ का माहौल ही नहीं बना। उससे पहले ये महिलाएं पहले से लगता है तैयार थी, हाथों में लाठी डंडा लेकर और मार लाठी के साथ कुछ इस तरह से हमलावर हो गईं पुलिस और दरोगा पे। आगे बढ़ते हैं। रविवार को अलग अलग जगह हुए हादसों से मातम पसर गया है। कई जगहों पर चीख पुकार मची हुई है। दर्दनाक सड़क हादसों की ये रिपोर्ट देखिए। रविवार का दिन हादसों के नाम रहा। भीषण सड़क हादसों से कई जगहों पर मातम छाया तो अस्पताल के सन्नाटों में घायलों की सिसकियां। ये तस्वीरें सोनभद्र की हैं। अस्पताल में भर्ती इन घायलों के हादसों के बाद से ही होश उड़े हैं। दरअसल बोलेरो में ये सभी आईटीआई का एग्जाम देने भदोही जा रहे थे, जहां रास्ता ढूंढते कार ट्रक से जा टकराए, जिसके बाद के ये हालात। ये तस्वीरें खुद बताने के लिए काफी है कि हादसा कितना भीषण था। जमगढ़ी से आ रहे थे, भदोही जा रहे थे पेपर देने, और इधर रास्ते में बगनी के घर बगल में हम लोग रास्ता घूम गए थे, वो वहीं एक्सीडेंट हो गया। और कैसे एक्सीडेंट हुए ये नहीं पता है। किस चीज से जा रहे थे? बोलेरो से। ये हादसा उस वक्त हुआ जब ये सभी मध्य प्रदेश से भदोही जा रहे थे। हादसे में ड्राइवर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, तो एक शख्स की अस्पताल ले जाते वक्त जान चली गई, बाकी 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमारे अस्पताल में तो 5 लोग भर्ती हैं और एक की जो अस्पताल में मृत्यु हो गई है, जिसका पोस्टमार्टम आज किया जाएगा, 2 बजे के बाद मैं ही करूँगा। और बाकी की रास्ते वहाँ स्पॉट में कितने लोग डेथ हुई उसकी जानकारी मिलेगी। हादसे के बाद वहां जमकर बवाल हुआ। कांवड़ियों ने भाग रहे ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की और तोड़फोड़ कर डाली। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामा शांत कराया। एक ट्रक लापरवाही से चलाता हुआ उसने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जो कि कांवड़ में लोग जा रहे थे उनके साथ उनके परिवारिक जन थे, उस पर टक्कर लगी और एक व्यक्ति की डेथ हो गई। मौके पर डेड बॉडी हटा दी गई है और मौके पर शांति व्यवस्था बरकरार है। ट्रक कब्जे में ले लिया गया, उसका चालक भी कांवड़ियों ने उसको पीट दिया था, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। ये दो बड़े हादसे थे जिनमें सोनभद्र में 2 की मौत हो गई, तो हरदोई में एक शख्स ने दम तोड़ दिया और जो घायल हुए उनका इलाज जारी है। सोनभद्र से संतोष और हरदोई से रंजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं, ललितपुर की बात करते हैं, जहां बच्चे खतरनाक खेल खेल रहे हैं, प्रशासन कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। गोविंद सागर बांध में ये बच्चे पानी में कुछ यूं छलांग लगा रहे हैं। बारिश के चलते बांध पर जलस्तर बढ़ा हुआ है, ऐसे में बच्चों का ये खेल कितना डेंजरस हो सकता है उसका अंदाजा लगाइए। बच्चों को जो इस तरह से छलांग लगाते देखा जा रहा है, लेकिन प्रशासन का ध्यान इस तरफ नहीं है, अभी इसे लेकर कोई कदम भी नहीं उठाया गया है। ग्रेटर नोएडा के शाहबरी बायर्स हजारों की संख्या में सद्भावना बाइक रैली निकालकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर जाकर अपना विरोध दर्ज कराते नजर आए। प्राधिकरण दफ्तर से परी चौक होते हुए शाहबरी पर आकर रैली का समापन किया गया। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि अपनी जीवन भर की ये गाढ़ी कमाई मकानों में लगाई है और वो किसी कीमत पर मरते दम तक भी इन मकानों को खाली नहीं कराएंगे। आखिरी दम तक इनकी कोशिश रहेगी कि प्रशासन की प्राधिकरण की गलत नीतियों का ये विरोध करेंगे, खामियाजा ये नहीं भुगतेंगे और आने वाले समय में आंदोलन और उग्र होगा।
हमें गेट से कोई लेने देने नहीं है, जब हमें इसके ताले बंद करने। कानपुर के किदवई नगर में बेरोजगार युवकों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इन शातिर ठगों ने बेरोजगार युवकों को नौकरी का लालच यानी झांसा देकर कागजात ले लिए, उनके जरिए बाइक्स फाइनेंस करा लिए और इन लोगों के पास किश्त भरने का नोटिस आया, तब इन्हें ठगी का पता चला। मामला पुलिस तक पहुंचा, छानबीन में पुलिस के हत्थे तीन ठग चढ़े हैं और खुलासा हुआ कि इन्होंने एक दो नहीं पूरे 15 दोपहिया वाहन इसी तरह से फाइनेंस कराए थे। इनके पास से 25 लोगों के आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद हुए हैं। तो कुल मिलाकर अपने डॉक्यूमेंट्स को बिना वेरिफिकेशन किए किसी के भी हवाले करने से पहले सोचिए। आपके कागजात कीमती हैं, आपके निजी दस्तावेज कीमती हैं, साझा ना करें। अरे मुंह पर। और यूपी में त्योहारों के मद्देनजर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि सूबे में बिजली नहीं काटी जाएगी, पूरे प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध कराई जाए। आपको बता दें कि कुछ दिनों से बिजली कटौती को लेकर राज्य में समस्याएं बढ़ती जा रही थी। जान लीजिए कि यूपी के 11 शहरों को जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा मिलने वाला है। केंद्र ने यूपी में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की अनुमति दे दी है। बताएं कि 11 शहरों में 600 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा में 100 बसें चलेंगी, जबकि मथुरा, वाराणसी, गाजियाबाद में 50-50 बसें चलेंगी। इसके अलावा प्रयागराज में भी 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का कार्यक्रम है। इसके साथ ही बरेली, अलीगढ़, झांसी और मुरादाबाद में भी 25-25 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। तो पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने की कवायद और पेट्रोल डीजल की खपत को नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। 600 ई बसों की मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने आज वाराणसी टीएफसी से स्किल डेवलपमेंट करने वाली दो वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन अब घर घर जाके, डोर टू डोर जाके प्रतिभा को निखारने का काम करेंगी। आपको बताएं कि स्किल को डेवलप करने के लिए पूरे देश में पहले भी 11 वैन चलाई जा रही हैं। आज केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने वाराणसी और चंदौली जनपद के लिए दो स्किल वैन को हरी झंडी दिखाई है। ये वैन आज के आधुनिक युग में रबर सेक्टर में व्यवसाय से जुड़े लोगों को उनके घर पर जाकर उनके दरवाजे पर स्किल ट्रेनिंग देगी। स्किल प्राप्त करने वाले लोगों को प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ताकि आने वाले वक्त में अगर किसी कोने में रोजगार की ज़रूरत हो तो इस सर्टिफिकेट के आधार पर उन्हें रोजगार मुहैया हो सके। कार्यक्रम में यूपी के मंत्री अनिल राजभर भी मौजूद रहे। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे देखेंगे आप उत्तराखंड प्राइम। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबा आपकी।